SRM टुडे शहर की आवाज। ब्रेक में आपका स्वागत है। 10 दिनों तक बप्पा की आराधना करने के बाद आज भक्त अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन करने के लिए शिवनाथ तट पर पहुँचे और बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की कामना की। गणेश चतुर्थी से बप्पा की आराधना शुरू हुई और 10 दिन पूरे होते होते आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन को लेकर भक्तों का कारवा शिवनाथ तट पर पहुंचा, जिसके चलते गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे भक्तों ने लगाए। इस संबंध में मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में भक्त गणपति विसर्जन को लेकर शिवनाथ तट पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों को नदी के पास नहीं जाने दिया जा रहा और गणपति विसर्जन को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस जल्दी। बप्पा की आराधना की गई है बड़े उत्साह के साथ में, आज विसर्जन करने आए, क्या कहना होता है? गणपति जी का आगमन बड़े अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लगातार पूजा पाठ करने के बाद आज उनका जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। और सावधानी पूर्वक मेरा ये निवेदन है कि हर व्यक्ति सावधानी पूर्वक जल विसर्जन करें और शासन की बताई गई नियमों का पालन। सर, यहाँ पर विसर्जन करने के लिए यहाँ पर सिग्नल भी लगातार उफान पर चल रही है, क्या व्यवस्था आपकी है यहाँ पर? यहाँ प्रशासन और की पूरी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है। यहाँ पर नदी के आसपास जो है थोड़ी सी दूर 10 मीटर पे बैरिकेड्स लगाए गए, नदी पर कोई नहीं जा सकता है। विसर्जन के लिए यहाँ पर जो स्थल बना रखा है एक, वहाँ पे इस तरह का विसर्जन हो रहा है। गणेश विसर्जन को लेकर क्या व्यवस्था की गई सर यहाँ पर? आप भी जानते हैं NGT के रूल्स हैं कि हम जो मूर्तियाँ हैं उन्हें नदी में विसर्जित नहीं कर सकते हैं, तो हमने पूरी व्यवस्थाएँ रखी हैं जहाँ पे हम गणेश प्रतिमा को यहाँ पर रख करके पूजा पाठ करवा करके शुद्ध जल से, या अगर वो चाहें तो शिमला के जल से उन्हें विसर्जित कर दें, ताकि हम उन्हें सुरक्षित ले जा सकें। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, जहाँ पर हम उन्हें व्यवस्थित विसर्जित कर देंगे। कहाँ पर इनको छोड़ा जाएगा सर, कोई अपमान ना हो उसको लेकर के आपको अलग से व्यवस्था की गई? इसके लिए मुझे आइडिया नहीं है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।